नेक्स्ट चीज पर आते हैं, यहाँ पर आपके सामने स्टाइल्स दिए गए हैं। अब ये स्टाइल्स कैसे काम करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पे स्टाइल दो तरह से बना सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टाइल्स भी कहते हैं इनको और इनको फॉर्मेटिंग भी कहते हैं, फॉर्मेट्स, ठीक है। स्टाइल के लिए फॉर्मेट्स के लिए बात ही है, दो तरह के स्टाइल है, एक है मैनुअल स्टाइल, मैनुअल स्टाइल्स या मैनुअल फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है और बने बनाए फॉर्मेट प्री डिफाइंड स्टाइल्स क्या होते हैं, देखिए अगर मुझे इसको टाइटल बनाना है और मुझे आइडिया ही नहीं हो रहा कि इसको टाइटल कैसे बनाऊं, तो यहाँ पर स्टाइल्स के अंदर आपको बहुत सारे बने बनाए स्टाइल्स दे दिए गए। देखिए अगर आपको टाइटल बनाना है तो ये टाइटल का स्टाइल है, अगर आपको इसको हेडिंग बनाना है तो ये हेडिंग वन का स्टाइल है, अगर हेडिंग टू बनाना है तो ये हेडिंग टू का स्टाइल है, और हेडिंग थ्री का स्टाइल भी दिया गया और हेडिंग फोर का स्टाइल भी दिया गया है, ठीक है। मतलब एक आदमी है जिसको आइडिया ही नहीं है लेकिन उसको पढ़ना आता है तो वो यहाँ से भी यूज कर सकता है। तो देखिए मैंने इसको टाइटल बना दिया और इसको सेंटर कर दिया, फॉन्ट को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, अगर मुझे टाइटल का फॉन्ट थोड़ा कम चाहिए तो यहाँ से कम कर सकता हूँ, और इसको हेडिंग बनाना है तो यहाँ से क्लिक करके मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से क्लिक करके हेडिंग बना सकता हूँ वन के अंदर, और अगर सेकंड मेरी हेडिंग टू बनानी है तो सपोज टू बी यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया सपोज टू बी सिलेक्ट करके और इसको मैंने हेडिंग टू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये देखें ये हेडिंग टू में कन्वर्ट कर दिया। अब हेडिंग वन हेडिंग टू से बड़ा है और हेडिंग टू हेडिंग वन से थोड़ा छोटा है, इस तरह हेडिंग थ्री टू से भी छोटा होगा और हेडिंग फोर उससे भी छोटा होगा, इस तरीके से ये आप स्टाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हो गए बने बनाए स्टाइल्स, अब इनको रिमूव कैसे करेंगे, इन स्टाइल्स को रिमूव करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नॉर्मल कर दें, ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से एक ऑप्शन है कमांड जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करेंगे ये भी इस स्टाइल को खत्म कर देगा। तो इनमें से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं इन स्टाइल्स को खत्म करने के लिए। अब हम आते हैं मैनुअल स्टाइल के ऊपर, मैनुअल स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा इसमें एक स्टाइल और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे इनके अंदर लाइन स्पेस ज्यादा आ रहा है तो एक स्टाइल ऐसा है इसके अंदर जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके यहाँ से उसको कर देंगे नो स्पेस, तो ये देखिए इनके दरमियान में जो स्पेस थे गैप थे वो खत्म हो जाएंगे, और दोबारा से ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको दोबारा नॉर्मल कर देंगे तो वो जो लाइन स्पेसिंग थी वो दोबारा से इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब आते हैं मैनुअल स्टाइल कैसे करते हैं, भाई मैनुअल स्टाइल आप खुद सेलेक्ट करें, उसकी अलाइनमेंट सेट करें, उसका फॉन्ट साइज सेट करें, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से आप ये स्टाइल पर है तो मेरी 16 की हेडिंग होगी और वो बोल्ड भी होगी और उसका फॉन्ट कलर जो है ना वो कुछ इस तरह का होगा। अब हेडिंग 2 कैसी होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, उसका फॉन्ट साइज 14 का होगा और उसका जो फॉन्ट कलर है फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह का होगा और वो भी बोल्ड होगी। तो ये देखेंगे आपने अपना खुद का ذاتی स्टाइल बना लिया, लेकिन अब इस स्टाइल में एक नुकसान हो जाता है, वो नुकसान क्यों हो जाता है कि आपने यहां पे फिर से एक लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूटिलाइजेशन, ठीक है, तो अब इसको आपने हेडिंग 1 बनाना है। देखें इसको हेडिंग वन बनाना है तो आपको यही वाला स्टाइल दोबारा से देना है। अब मुझे तो याद नहीं मैंने इसको स्टाइल क्या दिया था, अगर याद भी है तो क्या था, फॉन्ट साइज को बढ़ा के 16 करना है, बोल्ड करना है और कलर चेंज करना है, है ना, और अगर दोबारा हेडिंग 2 कहीं बनानी है फिर से ये काम करना है। तो इस चीज से बचने के लिए मैनुअल स्टाइल में एक हमारे पास कमांड है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करेगा, मिसाल के तौर पर ये वाला स्टाइल मुझे इस पर लगाना है, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा इसके स्टाइल को क्या करेगा कैप्चर कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और ये एक पेंट का निशान आ जाएगा, फिर जिस पर इसको अप्लाई करना है उस पर ले जाके आपको इस तरह से फेर देना है तो ये उसको अपने जैसा बना लेगा, ठीक है। दोबारा देखिए ये वाला स्टाइल कैप्चर किया और ले जाके इस पर लगा दिया, तो इस तरह से आपका टाइम बच जाएगा और फॉर्मेट आप डिफरेंट तरीके से उस पर लगा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और बेहतर तो यही है कि आप ये वाले यूज कर लें क्योंकि ये बने बनाए स्टाइल्स हैं, इनको यूज करने का फायदा ये कि आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपको स्टाइल नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक दफा लगाना है और उसको फिर आगे कंटिन्यू करते जाना है। और फॉर्मेट खत्म करने का तरीका वही है कि इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से क्या कर देना है क्लियर फॉर्मेट, जैसे क्लियर फॉर्मेट करेंगे वो क्लियर हो जाएगा इसके ऊपर से, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई सबको।